बचपन की प्यार भरी लव स्टोरी पर आधारित सीरियल कुंडली भाग्य तो आप सभी देख रहे होंगे। भले ही शो की कहानी प्रेम कहानी है, पर उसे रोमांचक बनाए रखने के लिए शो की कहानी में आए दिन ट्विस्ट एंड टर्न दिखाए जाते हैं, जिससे शो में काम करने वाले कलाकार अपने किरदारों में खूबसूरती से पिरोकर बेहद खूबसूरत के साथ पर्दे पर पेश करते हैं और दर्शकों को शो के साथ बांधे रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सीरियल के इन कलाकारों के बारे में नहीं, बल्कि इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बताने वाले हैं, जो इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार और उनके रियल लाइफ पार्टनर्स। नंबर वन, सुप्रिया शुक्ला। प्रीता और सृष्टि की माँ सरला का किरदार अभिनेत्री सुप्रिया शुक्ला निभा रही है और अपने इस किरदार के साथ काफी प्रसिद्ध हो गई हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो इनके पति का नाम है हरल शुक्ला, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले अरेंज मैरिज की थी, पर इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। इसलिए आज जब इनकी शादी को काफी साल हो गए हैं, पर आज भी एक न्यूली मैरिड कपल की तरह ही रहते हैं। बता दें इनकी दो बेटियां भी हैं, जिनमें एक बेटी झनका शुक्ला को आपने करिश्मा का करिश्मा सीरियल में देखा होगा। आपको बता दें, इनके पति पेशे से एक फिल्म निर्माता हैं, जो अब तक कई फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और एक सफल निर्माता बनकर उभरे हैं। नंबर दो, रूही चतुर्वेदी। अभिनेत्री रूही चतुर्वेदी शो में प्रीता की दुश्मन शर्लिन अरोड़ा के किरदार निभा रही हैं, जो करण से प्यार करती थी, पर बाद में उनकी शादी करण के भाई ऋषभ से हो जाती है। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो इनके पार्टनर का नाम शिवेंद्र ओम साइयोल है, जिनसे ये इसी साल जयपुर में शादी कर चुकी हैं और उनके साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। आपको बता दें कि इनके पति भी एक एक्टर हैं, जिन्हें आपने छोटी सरदारनी शो में तरकश का किरदार निभाते हुए देखा होगा। नंबर तीन, श्रुति झा। कुंडली भाग्य सीरियल में प्रीता की बहन के रूप में श्रुति झा प्रज्ञा के छोटे से किरदार में नजर आती हैं, जिनकी शादी अभिषेक से हुई है, जो इनसे बहुत प्यार करते हैं लगन। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर ये किसी को डेट कर रही हैं, जिनका नाम है कुणाल करण कपूर। ये दोनों पिछले कुछ सालों से ही साथ में हैं और अब जल्द ही ये शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि दोनों की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी, इस बारे में दोनों कभी भी बात नहीं करते, पर दोनों का प्यार सा बंधन सब बयां कर देता है। आपको बता दें कि इनके बॉयफ्रेंड एक अभिनेता है, जिन्होंने ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा और मायका जैसे सीरियल में काम किया है। नंबर चार, श्रद्धा आर्या। शो की मुख्य अभिनेत्री प्रीति अरोड़ा का किरदार अभिनेत्री श्रद्धा आर्या निभा रही है, जो करण लूथरा की पत्नी का किरदार है और उनसे बेहद प्यार करती हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर ये बिजनेसमैन आलम मकर के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ इन्होंने नच बलिए 9 में भी भाग लिया था और अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री से सभी को अपना बना लिया था। इसी शो में इन दोनों के एक दूसरे की रिंग एक्सचेंज भी की थी और सभी को बताया था कि आने वाले समय में ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आपको बता दें कि श्रद्धा के होने वाले पति पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, साथ ही साथ एक लॉयर भी हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी सफल हैं। नंबर पाँच, मनीत जौरा। करण लूथरा के बड़े भाई और शर्लिन के पति ऋषभ लूथरा का किरदार अभिनेता मनीत जौरा काफी अच्छे से निभा रहे हैं और दर्शकों से खूब सराहना भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, जिनका नाम है मनिका डांडा। ये दोनों काफी सालों से एक दूसरे के साथ है और आज इन दोनों के बीच प्यार काफी बढ़ चुका है, इसलिए अपने प्यार को नेक्स्ट लेवल देने के लिए ये दोनों जल्द ही शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये दोनों शादी के बंधन में बन सकते हैं। आपको बता दें कि जिस मनिका से ये शादी कर रहे हैं, वो भी एक टीवी एक्ट्रेस है, जिन्होंने काफी सारे शोज में काम किया है। नंबर छह, अंजुम फकीही। शो के अंदर प्रीता की चुलबुली बहन सृष्टि अरोड़ा का किरदार अभिनेत्री अंजुम फकीहा निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर इनका एक्टर और कॉमेडियन केतन सिंह के साथ लव रिलेशन रह चुका है, जिनसे ये बहुत प्यार करती थी, पर कुछ वजह से इन्होंने साल 2020 की शुरुआत में उनसे ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद से अब तक ये सिंगल है और नए लाइफ पार्टनर की तलाश में है और शायद इन्हें अपना नया लाइफ पार्टनर मिल गया है, अभिषेक कपूर, जो शो के अंदर इनके प्रेमिका किरदार निभा रहे हैं और अभी तक इन्होंने इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस कलाकार की जोड़ी उनके पार्टनर के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।